दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम हाउस इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा फ्रेंड्स, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें मैं आपको एक बेडरूम का वायरिंग बताऊंगा, एक किचन रहेगा और एक हमारा हॉल रहेगा। इन तीनों की वायरिंग मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वायरिंग किस तरह से होती है। तो वायरिंग में सबसे पहले हमें लगता है एक लाइन और दूसरा लगता है एक न्यूट्रल। लाइन और न्यूट्रल के मिलने के बाद ही हमारा वायरिंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना तीनों चीज़ बता देता हूँ जो हमें यहाँ पे बनाना है, जिसकी हमें यहाँ वायरिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारा समझ लीजिए आप हॉल हो गया। ये हमारा हॉल हो गया। हॉल के अंदर हम क्या क्या चीज़ रखने वाले हैं मैं वो बता देता हूँ। पहले यहाँ पे हमारा एक फैन रहेगा, ये हमारा एक फैन हो गया। यहाँ पे मैं एक और फैन बना लेता हूँ, ये हमारा दूसरा फैन हो गया। यहाँ पे हम लाइट यूज़ करने वाले हैं, तीन लाइट। यहाँ पे हमारा तीन लाइट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स, एक अगर हमको सॉकेट का भी यूज़ करना पड़ा, यहाँ पे अगर हमें एक्सटर्नल कुछ यूज़ करना है तो उसके लिए हम सॉकेट भी रखेंगे इस बोर्ड में। तो इसका बोर्ड मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये हमारा इस रूम का बोर्ड है, यानी हॉल का बोर्ड है। इसमें हमारे पास कुल, पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, पाँच हमारा इस तरह से फ़ैन और लाइट का ही हो गया है। तो यहाँ पे हम दो सॉकेट भी रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 बटन होएगा, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये 7। ये फ्रेंड्स डायग्राम है, इसके लिए थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए 7 हो गया यहाँ पे बटन हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम दो सॉकेट बनाएंगे, यहाँ पे ये हमारा सॉकेट रहेगा जिसमें हमको कुछ एक्सटर्नल कभी यूज़ करना रहे तो उसके लिए। और यहाँ पे हम फ़ैन का रेगुलेटर बनाएंगे 2। ये हमारा पहला फ़ैन का रेगुलेटर है और ये दूसरा। तो इसका वायरिंग किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा यहाँ पे मैं बना लूँ, हमारा यहाँ पे किचन रहेगा। किचन के बारे में बता देता हूँ आपको। किचन में भी हम यहाँ पे एक फ़ैन यूज़ करने वाले हैं, ये हमारा एक सीलिंग फ़ैन रहेगा। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फ़ैन बना लेता हूँ। और यहाँ पे भी हम दो लाइट यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी हम इसमें भी दो सॉकेट रखने वाले हैं, ताकि अगर हमें कुछ यूज़ करना पड़े बाहर से, ग्राइंडर या फिर जूसर कुछ भी हमें यूज़ करना रहे तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं दूसरा बोर्ड बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 और 2 7, यहाँ पे भी हमको 7 यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 7 बटन। यहाँ पे हमारा 7 बटन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम दो सॉकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा दो रेगुलेटर हो गया फ़ैन का। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो एक और बोर्ड रहेगा, ये हमारा हो जाएगा बेडरूम का। यहाँ पे बेडरूम रहेगा। बेडरूम में फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 फ़ैन यूज़ करने वाले हैं। बेडरूम में हमारा 3 फ़ैन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी 3 लाइटें भी रहेंगी। और यहाँ पे हम एक्सटर्नल चीज़ अगर यूज़ करना रहे तो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 सॉकेट देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बटन बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 3 सॉकेट बनाऊँगा। तो 9 बटन, 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक लाइट का हम इंडिकेटर लगाने वाले हैं, जो हमारा लाइट जलता है इंडिकेटर।
जो लाइट है या नहीं वो बताएगा। यहाँ पे एक लाइट इंडिकेटर रहेगा और यहाँ पे हमारा दो फैन का रेगुलेटर हो गया और एक तीसरा रेगुलेटर फैन का नीचे आ जाएगा। ये हमारा तीन रेगुलेटर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे किसका बटन बनाए थे, अब यहाँ पे सॉकेट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा तीन सॉकेट हो गया। तो यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स रहेंगे फ्रेंड्स हमारे। अब इसके वायरिंग किस तरह से करनी है इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लाइन की वायरिंग बताता हूँ। तो लाइन यहाँ से हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक MCB आएगा। तो अगर हमारा डबल पोल का MCB रहेगा तो यहाँ से लाइन भी नीचे आके लग जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल भी आ जाएगा। तो यहाँ से न्यूट्रल की भी वायरिंग में बता देता हूँ आपको, न्यूट्रल भी यहाँ से हम लाके नीचे लगा देंगे। ये हम MCB का हमारा नीचे का जो पॉइंट है, ये दोनों हमारा इनपुट है और ये ऊपर का जो दोनों पॉइंट रहेगा ये हमारा आउटपुट का रहेगा। तो यहाँ से हम इनपुट और आउटपुट दो इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा लाइन हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो लाइन न्यूट्रल लेने के बाद यहाँ पे हम एक और MCB लगाने वाले हैं, जो कि हम तीन अलग अलग रूम के लिए MCB लगाएंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हम हर जगह ऐसे ही दे देंगे। यहाँ पे हमने न्यूट्रल का एक लाइन बना दिया है लाइन, और यहाँ से न्यूट्रल हम हर जगह दे देंगे। हर रूम में हमारा न्यूट्रल ऐसे ही पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है हमें ले जाके किस पे सॉकेट पे देना है, यहाँ पे ले जाके सॉकेट पे हमें सब पे न्यूट्रल देना है, क्योंकि हमको अगर अलग से सॉकेट चलाना है तो हमको न्यूट्रल लगेगा। तो यहाँ पे हमने सॉकेट पे न्यूट्रल दे दिया। उसके बाद यहीं से हम न्यूट्रल ले जाके सबसे पहले किसको देंगे, हमारे फ़ैन को दे देंगे। ये एक फ़ैन, ये दूसरा फ़ैन हो गया। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अगर हमको लाइट को भी देना है तो लाइट को भी हम यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह ये हमारा हॉल हो गया। हॉल में हमने तीन लाइट को, ये एक दो तीन लाइट को न्यूट्रल दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे दो फैन को हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया है, और यहाँ पे हमारे दोनों सॉकेट को भी हमने न्यूट्रल दे दिया है। और उसके बाद अब दूसरे रूम की बारी आई, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल लगाएंगे भी। तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पे भी हम इस तरह से सॉकेट पे न्यूट्रल दे देंगे। और उसके बाद अब ये जो हमारा रूम है फ्रेंड्स, इस रूम में भी हम न्यूट्रल देंगे यहाँ पे फैन को। उसके बाद यहाँ पे दोनों लाइट को, तीनों लाइट को हम न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस फैन को और इस फैन को और लाइट को सबको हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस रूम में और इस रूम में, दोनों में मैंने न्यूट्रल हर जगह पहुँचा दिया है। और उसके बाद अब हमारा तीसरे रूम की बारी आती है। तो यहीं से हम इस तरह से तीसरा भी न्यूट्रल निकाल लेंगे और तीनों के फिर से सॉकेट पर हम न्यूट्रल दे देंगे। तीनों पे हमने लेफ्ट साइड में न्यूट्रल दे दिया है, सॉकेट के लेफ्ट साइड में। यानी इस तरह से हम सामने प्लग इन करेंगे, जिसके हिसाब से लेफ्ट साइड में हमने न्यूट्रल दे दिया है। उसके बाद अब हमारे हर चीज़ को, फ़ैन को और सबको हम न्यूट्रल दे देंगे। तो सबको मैं लूप कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा फ़ैन, ये दोनों लाइट यहाँ से लूप हो गया है। उसके बाद ये लाइट, ये फ़ैन, ये लाइट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये फ़ैन और ये लाइट, इस तरह से सब आपस में लूप हो गए, यानी सबको न्यूट्रल पहुंच गया है। और ये एक इस तरह से हम ले जाके हमारे न्यूट्रल में यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ को हमने न्यूट्रल दे दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिसे ही यहाँ से न्यूट्रल निकल रहा है बाहर, न्यूट्रल यहाँ से आने के बाद हमारा ये DP है, डबल पोल MCB है। यहाँ से जैसे ही न्यूट्रल निकल रहा है हर जगह हमने न्यूट्रल पहुँचा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूम में, सॉकेट में, रूम में, हर जगह हमने न्यूट्रल को पहुँचा दिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लाइन जो हमारा निकला है इसके लिए हम तीन अलग MCB बनाएंगे। यहाँ पे हम तीनों 10-10 एम्पियर का MCB यूज़ करेंगे। आप चाहे तो लोड के हिसाब से उसके कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन MCB हम यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा तीन MCB हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरह से यहाँ पे हम तीन MCB यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे तीन MCB हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन को लाके मैं यहाँ पे नीचे सब पे कॉमन कर देता हूँ। तीनों यहाँ पे हम लाइन दे देंगे, MCB के नीचे लाइन दे देंगे तीनों के, और ये हमारा लोड यहाँ से आउटपुट होएगा। तो ये सबसे पहले हमारा हॉल का यहाँ पे हो गया, समझ लीजिए ये हमारा हॉल का है। तो यहाँ से लाइन जो आ रहा है सबसे पहले फ्रेंड्स, ये हमारे इस तरह से
बटन में या हर जगह कहीं भी कह लीजिए आ जाएगा। ये वायर जम करके यहाँ पे बटन में हम कहीं भी इसको लाके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइन दे दिया है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सातों बटन में हमने लाइन एक साथ कॉमन कर दिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बटन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बटन पे हमारे दो टर्मिनल होते हैं। तो दूसरा टर्मिनल क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से पहला जो रहेगा वायर वो ले जाके हम यहाँ हमारे पहले फैन को दे देंगे। उसी तरह से दूसरा वायर जो है वो ले जाके हम दूसरे फैन को दे देंगे। तो ये हमारा लाइन है, ये न्यूट्रल है, और ये देख सकते हैं आप ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे दो चीज़ मिलेगा तो हमारा ये फ़ैन चलेगा, यहाँ पे लाइन न्यूट्रल मिलेगा तो हमारा ये फ़ैन चलेगा। उसी तरह से हम तीन को और यहाँ से लाइन ला के दे देंगे, 1 2 3, इस तीनों से हम ला के अलग अलग यहाँ पे तीनों पे लाइन दे देंगे। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हमने ये लाइन ये लाइन ये लाइन ले आके दे दिया इसको, और ये जो है ये पार्टिकुलर 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों को हमने लाइन दे दिया, तीनों लाइट को। तो यहाँ से होगा क्या फ्रेंड्स कि हमारा ये तीनों लाइट भी चलेगा। अब जिस तरह से हम ये 1 2 बटन स्विच ऑन ऑफ़ करेंगे तो हमारा दो पंखा चलेगा, और ये तीनों ऑन ऑफ़ करेंगे तो हमारा ये लाइट चलेगा। अब यहाँ पे हमारा दो बटन बच रहा है फ्रेंड्स, दो बटन यहाँ पे किस लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो बटन जो है ये सॉकेट से है। तो यहाँ पे जो नीचे हमने लाइन दी है ऊपर से, यहाँ यहाँ से हम इस तरह से लाइन जंप करके लाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीधा इस पे सॉकेट पे देंगे। ऊपर से जो हम ला रहे हैं यहाँ से इसको जंप करके हम सीधा यहाँ पे सॉकेट पे दूसरे साइड में दे देंगे। और ये वाले बटन का दूसरे का भी हम इस तरह से ला के यहाँ से दूसरे के सॉकेट पे दे देंगे। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से जो लाइन रहेगा फ्रेंड्स वो यहाँ से आते हुए हमारे सॉकेट में आ जाएगा, और न्यूट्रल यहाँ से पहले ही रहेगा। तो इसमें पूरा हमारा 220 वोल्ट या 230 जो भी रहेगा वोल्ट आउटपुट होगा। फ़ैन का फ्रेंड्स यहाँ पे वायरिंग थोड़ा सा रॉन्ग ये हो गया है कि यहाँ से जो हम सीधा फ़ैन का आउटपुट निकालेंगे, हमने यहाँ पे रेगुलेटर लगा रखा है तो ये यहाँ पे पहले यहाँ पे नहीं जाएगा। तो पहले कहाँ पे जाएगा, पहले सबसे पहले रेगुलेटर में दो पिन होते हैं, तो रेगुलेटर के एक पिन पे हम ले जाके लाइन दे देंगे, और वहाँ से दूसरा पिन जो आउट होगा वो ले जाके हम हमारे फ़ैन को देंगे। दोनों भी इसी तरह से करेंगे तो हमारा होएगा क्या फ्रेंड्स, दोनों जो हमारा बटन रहेगा स्विच रहेगा उसके ज़रिए से हम ऑन करेंगे, तो स्विच से हमारा सीधा लाइन यहाँ पर जाएगा और इसको हमारे रेगुलेटर को, और रेगुलेटर से जब हम उसका स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे हमारे स्पीड मिलेगी फ़ैन को, और हमारा फ़ैन अलग अलग स्पीड पे चलेगा। तो इस तरह से ये एक रूम की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब दूसरे रूम की वायरिंग मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो ये दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ से जो है, यहाँ से दूसरा लाइन आ रहा है। तो ये दूसरा लाइन भी इस तरह से हम नीचे सबको कॉमन कर देंगे लाइन, तीन सब बटन पर, यहाँ पर जितना भी हमारे 7 बटन है सब पे नीचे हम लाइन कॉमन कर देंगे। यहाँ पर हमने सब पे लाइन दे दिया है, और ये हमारा जो है ये दोनों हमारे फ़ैन का हो गया, 1 2 3 ये हमारे लाइट का हो गया, उसके बाद ये हमारा दोनों सॉकेट का है। तो सबसे पहले यहाँ फ़ैन का जो है, यहाँ से हम फ़ैन का निकालेंगे आउटपुट, और वो ले जाके सबसे पहले हम रेगुलेटर को देंगे। दोनों भी हम ले आके इस तरह से रेगुलेटर को देंगे, और रेगुलेटर से यहाँ पे एक आउट भी निकलता है, ये आउटपुट हो गया इसका रेगुलेटर का। जो दूसरा पिन होता है रेगुलेटर का वो जाके हमारे दोनों फ़ैन पे एक एक लग जाएगा। तो ये दोनों हमारा लाइन हो गया, और यहाँ से पहले इसको न्यूट्रल मिल रहा था, ये हमारा लाइन हो गया, सीधा लाइन आके फ़ैन में लगेगा, और यहाँ न्यूट्रल पहले से ही मिल रहा था। तो इस तरह से हमारा ये दोनों फ़ैन चलने लगेगा। उसके बाद अब क्या यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तीन लाइट है, 1 2 3 नंबर। तो ये 1 2 3 ये तीनों हमारा लाइट का हो गया। तो लाइट पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से सीधा ले जाके हम लाइन एक उठाएंगे यहाँ पर ला के लगा देंगे, दूसरा यहाँ से उठाएंगे यहाँ पर ला के लगा देंगे, और तीसरा यहाँ से लाने के बाद यहाँ पर लगा देंगे। मैंने वायरिंग के बारे में एक पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वहाँ पे देख लें, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने तीन लाइट का बना दिया है। अब यहाँ पे हमारा दो सॉकेट जो है फ्रेंड्स वो किस तरह से रहेगा, यहाँ से आप जो लाइन देख सकते हैं इस तरह से सीधा आएगा, और हमारे इस तरह से दूसरा जो सॉकेट है इसमें आके लग जाएगा, और ये दूसरा लाइन जो है इसी तरह से आके इस सॉकेट में लग जाएगा। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे लाइन यहाँ से जंप करके ऊपर जाएगा, और ऊपर से यहाँ से सीधा हमारे सॉकेट में आएगा। तो इसमें अगर हम कुछ भी लग के चलाएँगे, हमारा फ्रिज वगैरह या फिर हम इसमें मिक्सर चलाएंगे, तो वो हमारा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं आपको तीसरी भी वायरिंग बता देता हूँ। तीसरा जो है यहाँ पे किचन के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन लाने के बाद हम यहाँ पे किचन पे सब पे लाइन तीनों में सब पे कॉमन कर देंगे, जितना हमारा 9 बटन है सब पे हम लाइन कॉमन कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है इसमें भी हम लाइन दे देंगे। और न्यूट्रल लाने के बाद यहाँ से आप न्यूट्रल देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल हमें इसको देना पड़ेगा फ्रेंड्स।
यहाँ पे आप जो है न्यूट्रल देख सकते हैं, यहाँ से एक न्यूट्रल हमें इंडिकेटर को देना पड़ेगा कि जब भी हमारी लाइट आएगी तो हमारा ये इंडिकेटर जलेगा जो हमें बताएगा कि हमारी लाइट है, और जैसे ही लाइट जाएगी तो ये लाइन और न्यूट्रल दोनों में इसको इंडिकेटर को मिलना बंद हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लाइट नहीं है। तो सब पे हमने लाइन कॉमन कर दिया, यहाँ पे हमने इंडिकेटर को न्यूट्रल भी दे दिया है। तो यहाँ पे जितना भी बटन है हमारे सब पे दूसरा जो आउटपुट है, दूसरा टर्मिनल जो बाकी है, उन सबसे हम ले जाके एक सबसे पहले तो हमारा फ़ैन का रेगुलेटर हो गया, एक यहाँ पे दो सबके दो वायर निकले रहते हैं रेगुलेटर के भी, तो यहाँ पे एक वायर ले जाके हम इस तरह से इस पे रेगुलेटर पे लगाएंगे और दूसरा जो है हमारा सीधा हम फ़ैन को लगाएंगे। इसी तरह से हम तीनों पे कर देंगे, तीनों फ़ैन का इसी तरह से फ्रेंड्स वायरिंग रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा सॉकेट का, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से आउटपुट निकालना है और सॉकेट का लाके सीधा सॉकेट में लगा देना, इस तरह से जितना भी हमारा तीन है उस तरह से तीनों का सॉकेट में लाके इस तरह से लगा देना है राइट साइड में। तो जब भी हम बटन चालू करेंगे तो यहाँ से लाइन जम करके हमारे सॉकेट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट के लिए भी फ्रेंड्स हमने जो तीन बटन रखे हैं वहाँ से लाइट का ले जाके आप यहाँ से ऊपर वाले बटन से जो स्विच होता है स्विच से लाके यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा जलने लगेगा। तो ये था फ्रेंड्स हाउस इलेक्ट्रिकल वायरिंग का हमारा जो है बेसिक, जो आप वायरिंग अगर कहीं करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है, इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर भी जरूर।